सीधी पेशाब कांड के पीड़ित दशमत आदिवासी और सीएम शिवराज की मुलाकात ने नया सियासी मोड़ ले लिया है। कांग्रेस ने इस पर जमकर निशाना साधा है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सीएम और पीड़ित की पत्नी के बीच हुई बातचीत को वायरल कर मुख्यमंत्री पर पीड़ित परिवार को खरीदने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर सांसद नकुल नाथ ने भी निशाना साधते हुए ट्वीट किया, अब जब प्रदेश के आदिवासी भाइयों ने भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है तो मुख्यमंत्री जी द्वारा आदिवासी भाई के पैर धुलवाकर आदिवासी हितेशी बनने की भरपूर नौटंकी की जा रही है। एमपी यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने आज सिंधी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सांत्वना दिया। विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया कि आदिवासी को जबरन यहाँ से उठाकर ले गए, वो तो उनकी पत्नी को भी ले जा रहे थे, लेकिन हमारे कुछ बड़े नेता यहाँ थे तो ये बच गए। इनको भी उठाकर वो भोपाल ले जा रहे थे कि तानाशाह का फरमान है कि पेश करो, तो पति को तो उठाकर ले गए थे, इनको भी उठाने आए थे। अगर वो यहाँ नहीं रहते तो इनको भी इनकी मर्जी के विरुद्ध उठाकर ले गए होते। विक्रांत भूरिया के सामने पीड़ित दशमत की पत्नी के पास किसी के फोन पर सीएम शिवराज का फोन आया। सीएम ने उनसे उनका हालचाल पूछा। तुम मेरी बहन हो, तुम्हारे मकान को पक्का करवा देंगे, कोई चिंता नहीं करो, कोई काम धंधा करो, उसके लिए पैसे भिजवा दूंगा। पत्नी ने कहा कि पैसा नहीं चाहिए, मेरे पति को वापस भेज दो। और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ मैं ना, हमारा मकान भी पूरा बनवाना है और वो कुछ और भी मैं उससे काम धंधा करूँ, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ। पैसा हम कम है, पहले आदमी आमा हमारे पास ये तो जा रहे हैं, अभी भेज रहे हैं पैसा, हम कबाड़ा से नहीं आए, इनको भेज रहा हूँ मैं। ओके। विक्रांत भूरिया ने इसी बातचीत का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए ट्वीट किया। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री भोपाल से अपने गुरखों के जरिए पीड़ित परिवार को आवाज़ बंद करने के लिए पैसों और घर का लालच दे रहे हैं। शिवराज सायदाब को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आदिवासी आदिकाल से जल जंगल और जमीन के मालिक हैं। उनके लिए आपके चंद सिक्कों से बड़ी चीज अपना आत्मसम्मान है। छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने सीएम शिवराज द्वारा आज अपने आवास पर पीड़ित आदिवासी दशमत को बुलाकर उनके पैर धोने वाले वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, भाजपा कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला द्वारा आदिवासी भाई के साथ घिनौना कृत्य की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा नेताओं का सत्ता का घमंड चरम पर है। मध्य प्रदेश को भाजपा ने अपराध का गढ़ बना लिया है। अब जब प्रदेश के आदिवासी भाइयों ने भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है तो मुख्यमंत्री जी द्वारा आदिवासी भाई के पैर धुलवाकर आदिवासी हितेशी बनने की भरपूर नौटंकी की जा रही है। पर अब भाजपा नेताओं का असल चेहरा जनता के सामने है। आपकी नौटंकियों का असर अब आदिवासी भाइयों पर नहीं होगा, आपको मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। देखते रहिए हमारे साथ MP7 News।